हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साध्या हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिमेनिंग मंथ ऑफ मई की रीडिंग। स्टार्ट फ्रॉम 15 मई से 31 मई तक ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग के अंदर मैं ओरेकल डेक इंक्लूड करूँगी और चार्म्स हम इस दफ़ा नहीं लेंगे। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 19 मई को। तो हो सकता है जो पहले 2-3 कार्ड्स हों वो एनर्जीज आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो हमेशा वैसे पिक करो जैसे आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से जो चीज़ें मैच कर रही हैं। आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। सो देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए रिमेनिंग मंथ में। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एक तो आप अपने मैसेजेस को अपने हिसाब से पिक करो, दूसरा है कि अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप सिर्फ अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हो ओनली देन आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल गिवन है और कोई भी सर्विसेज कोई भी रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है। अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो ओनली देन आप मुझे रीच आउट करो। और अगर आप किसी और मोड ऑफ पेमेंट्स के थ्रू पेमेंट्स करना चाहते हो तो मैं रिसीव और मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो इसलिए आप अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट ना करो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। लेट्स बिगिन। हाय प्रीस्टेस फेरापोएड द सन, आपका आप खुद या आपके लाइफ में कोई इंसान इंट्यूटिवली बहुत जो कि स्ट्रांग है, somebody who मतलब कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है या होगा जो कि आपको गाइड करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। जो भी आप अपनी लाइफ में डील कर रहे हो, जिन चीज़ों में भी आप स्टक हो या आप निकलना चाह रहे हो जिन चीज़ों में से, आपको कहीं ना कहीं आपको कोई हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको ये हेल्प चाहिए तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपको ये हेल्प सीख करनी पड़े, उनसे हेल्प मांगनी पड़े। कुछ लोगों के लिए आपको ये मांगे बगैर भी हेल्प मिल सकती है। जो लोग खुद इंट्यूटिवली एक्टिव हैं मतलब और साइकिकली मतलब उनको लगता है कि वो कनेक्टेड हैं सोर्स के साथ, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही हो खुद भी। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो कि इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग है और आपकी लाइफ में आप जो भी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो उसमें आपको ये इंसान काफ़ी हेल्प कर सकता है। या आपका स्पाउस, पार्टनर, फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, एक्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी ये इंसान है ये आपको हेल्प आउट कर सकता है आपकी लाइफ में वो चीज़ें लाने में जो आप चाहते हो, जो आप विश करते हो, जो आपके गोल्स हैं। ये इंसान आपको उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है या कर सकती है। और आप जो भी चाहते हो, अगर आप इसकी बताई हुई गाइडेंस फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में आगे खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो देखते हैं औकात, देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या आने वाला है। हैंगमैन, ओके, फिर अब सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अनिता देखिए, यू हैव 8 of Wands, अनिता 3 of Pentacles, अनिता द वर्ल्ड कार्ड। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब और वो एक एम्फसाइज हो रही है, एक एनर्जी क्लियर हो रही है, डोमिनेंट हो रही है कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान से, आप जब अपना स्टार्ट कर रहे हो वीक 15 से लेके 20 तक का टाइम जो होगा वो आप इस इंसान से गाइडेंस लोगे या ये आपको वैसे ही गाइड करेगा या करेगी, लेकिन आप उसको फॉर ग्रांटेड लोगे। और जहाँ आपने फॉर ग्रांटेड लिया और आपको लगा कि नहीं, मैं तो खुद से मैनेज कर लूँगा चीज़ें, मेरी लाइफ में तो बहुत आसानियाँ आ रही हैं ऑलरेडी, तो आपकी लाइफ में चीज़ें स्टक होना शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टार्ट करोगे ये हफ्ता, ये टाइम 15 का जो पहला, 15 से लेके 21 तक का जो टाइम होगा ये इंसान आपके साथ होगा या होगी, लेकिन फिर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो रही है और जिसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें फिर से स्टैग्नेंट हो जाएंगी। और फिर आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो गलत हो गया, मुझे तो लग रहा था कि मतलब मैं तो खुद से इस चीज़ से गो थ्रू कर जाऊँगा या फिगर आउट कर जाऊँगा या कर जाऊँगी, और कहीं ना कहीं आप फिर स्टक होते हो। एंड जब आप स्टक होते हो तब आप रियलाइज़ करते हो कि दिस इज़ द पर्सन हु कैन हेल्प यू। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिससे आपकी लाइफ में लक आएगी, जिसके होने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, जिसकी गाइडेंस से आपको काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आसान हो जाएंगी। सो जो भी ये इंसान है आपको इसके साथ रहना आपके लिए लकी होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि ये इंसान आपको प्यार करता हो लेकिन आप इसको वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप इस महीने के एंड तक जाओगे आपको इस इंसान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर तो ये आपका कोई एक्स है या आप
कोई ऐसा इंसान है जो कि आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप, क्योंकि शायद आपका फोकस, आपका गोल जो है कोई और चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, तो शायद आप इस इंसान को फॉर ग्रांटेड लेते आए हो और अभी भी लोगे. अभी स्टार्ट में यू आर गोइंग टू लिसन टू दिस पर्सन, बट देन आप फिर से जो है अराउंड 20 ऑनवर्ड्स आप चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से स्टक हो जाएंगी और तब आप रियलाइज़ करोगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में वो शाइनिंग लाइट है जो कि आपको अभी चाहिए, और इस इंसान से आपको बहुत कुछ मिल सकता है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो. सो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए लकी है, ब्लेसिंग्स लेके आएगा, गाइडेंस लेके आएगा और आपकी लाइफ आसान करेगा. अब इस इंसान के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है ये शख्स. एनर्जीज रिवर्स भी हो सकते हैं. अगेन सन का कार्ड आया है, समबडी हु इज़ इट्स लाइक यू नो आपका सेवियर हो सकता है इस सिचुएशन में, जो भी आप डील कर रहे हो, कुछ भी परेशानी मुश्किल आपकी लाइफ में है. अगर आपकी लाइफ में ये इंसान है और अगर आप इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप इसको वैल्यू करना शुरू कर दो. अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किलें आगे आएंगी. और देखते हैं कि ये कौन है, लाइक मतलब ये आपका एक्स है या मतलब लव एंड, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लव एंड रिलेशनशिप वाली सिचुएशन है. या तो आपका एक्स हो सकता है या आपका ऐसा इंसान जो आप में इंटरेस्टेड हो लेकिन आप शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो. लेकिन लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस पर्सन. हु इज़ दिस पर्सन एंड व्हाट्स योर कनेक्शन विद दिस पर्सन. हाँ, सिक्स ऑफ कप्स, ये आपका सोलमेट है. आपको, आप शायद फिगर आउट नहीं कर पा रहे, समबडी दैट यू हैव बीन विद, समबडी हो सकता है जिसको आपने किसी और के लिए छोड़ दिया हो, या उल्टा भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकती है एनर्जीज. लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में पास्ट में रह चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. लेकिन ये इंसान जो भी है, इसको पता है कि फ्यूचर आप दोनों का साथ होना है, आप दोनों इकट्ठे होके. कहीं ना कहीं आप इसको इग्नोर कर रहे हो, शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, लेकिन जैसे ही आप आगे चलोगे अपनी लाइफ में, आपको रियलाइज़ होगा कि अभी जो चीज़ें थोड़ी आपको लगा था कि बेहतर होना शुरू हो गई, शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही, तो आप फिर से एक यू नो एक चीज़ पे स्टक होने वाले हो, और जिसके बाद आपको रियलाइजेशन आएगी इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके, और फिर चीज़ें आपकी लाइफ में मूव ऑन करेंगी. देखते हैं ओरेकल क्या कहता है. रोमांस ओरेकल का आपसे एक कार्ड लेंगे, देखेंगे कि वो क्या कहता है आपकी बाकी जो महीना है 15 से लेके 21 तक, उसमें आपकी लाइफ में क्या आने वाला है. देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए ओरेकल का, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड. जिन लोगों ने इस इंसान को फॉर ग्रांटेड लिया है, उसकी लाइफ में काफी मसले आने वाले हैं. और अगर आप ऑलरेडी इनको भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. और अगर आप अभी आप उस फेज़ में हो जहाँ पे आप लोग अच्छे से बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इसके आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ में आसानियाँ आई हैं, तो आपको चाहिए कि उस इंसान को वैल्यू करो. क्योंकि कहीं ना कहीं आप वैल्यू नहीं करोगे तो ये आपकी लाइफ में स्टे नहीं करेगा, सेपरेशन आएगी बीच में. और टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन, ये आपको आपके पास नहीं रहेंगे. अगर आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो ये आपके पास नहीं रहेंगे. शायद आपको लगता है कि ये क्योंकि मे बी ये आपकी लाइफ में हमेशा आते रहे हैं, आपके पास रहे हैं, आपको हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, प्यार करते रहे हैं, अगर इस दफ़ा ये गए तो ये वापस नहीं आएंगे. तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप फॉर ग्रांटेड लेते आए हो इस रिलेशनशिप को, इस इंसान को, तो यू हैव टू स्टार्ट वैल्यूइंग दिस पर्सन. क्योंकि सेपरेशन आएगी अगर आपने अब इस दफ़ा उनको फॉर ग्रांटेड लिया. एक और कार्ड देखते हैं. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. अगर आप इनको वो सब नहीं देते जो ये डिमांड करते हैं आपसे, या आप अगर मतलब इस बंदे को या बंदी को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते आए हो, और इस दफ़ा भी जब आप साथ आते हो और एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लोगे, तो सेपरेशन इज़ बाउंड टू हैपन. मतलब फिर से आप एक दूसरे के से दूर जाओगे, और फिर क्या होगा, फिर से वापस आओगे. तो बेस्ट जो इस सिचुएशन में है आप दोनों के लिए करना, वो ये है कि आप एक चीज़ को एक्सेप्ट करो, एडमिट करो कि आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों को साथ रहना है. आप दोनों जब साथ हो तो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आओगे एक दूसरे की लाइफ में. अगर आप इस चीज़ को वर्कआउट नहीं करते और आप अपने ही दिमाग से, अपनी ही सिचुएशन से आप एक बंदे को फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी. तो इट्स बेटर कि आप अपने रिलेशनशिप को टाइम दो, अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिवली आगे लेके चलो. और
वर्क करो अपने रिलेशनशिप पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों आते हो साथ, फिर कुछ टाइम रहते हो, फिर आप चले जाते हो, बिकॉज आप लोगों का फोकस आपका रिलेशनशिप नहीं होता, स्पेशली एक एंड से, या आपके एंड से या उनके एंड से. और होता यह है कि जब आप एक दूसरे के लिए एक मतलब एक म्यूचुअल केयर कंपैशन नहीं है एक रिलेशनशिप को लेके, तो वो इम्बैलेंस होती है. और जहाँ इम्बैलेंस आएगा वहाँ पे सिचुएशन ख़राब होगी. और वही लग रहा है कि इस दफ़ा भी सिचुएशन ख़राब होगी, या हो चुकी है या होने वाली है आजकल में. और जैसे ही ये सिचुएशन ख़राब होगी सेपरेशन आएगी, अगर चीज़ों के ऊपर वर्कआउट नहीं किया गया तो. ये थी आपकी रीडिंग. अगर रेजोनेट की हो, मैच की हो, आपकी सिचुएशन से गाइडेंस मिली हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, इफ एंड ओनली इफ अगर आप पेपॉल पेमेंट्स कर सकते हो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.